संसद रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुए 13 सांसद विपक्षी दलों के ये सदस्य हैं शामिल। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। संसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है। इन 13 सांसदों में 8 लोकसभा और 5 राज्यसभा के सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस कृष्णमूर्ति की सह अध्यक्षता में प्रतिष्ठित सांसदों और नागरिक समाज की जूरी ने सांसदों को नामित किया है। जूरी ने विशेष पुरस्कार श्रेणी के तहत विभागीय रूप से संबंधित 2 स्थायी समितियों और 1 प्रतिष्ठित नेता को भी नामांकित किया। समिति में प्रतिष्ठित सांसद और नागरिक समाज के सदस्य शामिल हैं। संसद रत्न अवार्ड के लिए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, भाजपा के विद्युत बरन महतो, डॉक्टर सुकांत मजुमदार, कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा, भाजपा के विजय कुमार गवित, गोपाल शेट्टी, सुधीर गुप्ता और एनसीपी के डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले को 70वीं लोकसभा में विभिन्न श्रेणियों के तहत उनके प्रदर्शन के लिए शामिल किया गया है। अवार्ड के लिए नामांकन 70वीं लोकसभा की शुरुआत से लेकर शीतकालीन सत्र 2022 के अंत तक प्रशो की निजी सदस्यों के बिलों और सदस्यों की बहस के दौरान उनके प्रदर्शन पर आधारित है। संसद के सदस्यों के प्रदर्शन डेटा को PRS द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से प्राप्त किया गया है। राज्यसभा में 2022 में बेहतर प्रदर्शन के लिए CPM के सदस्य जॉन ब्रिट्स, राजद के मनोज झा और NCP की फौजिया तहसीन अहमद खान को वर्तमान सदस्य श्रेणी के तहत नामित किया गया है। वहीं विशंभर प्रसाद निषाद और छाया वर्मा को अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सेनानिवृत्त सदस्य श्रेणी के तहत नामित किया गया है। लोकसभा समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा और परिवहन पर्यटन और सांस्कृतिक राज्यसभा समिति के अध्यक्ष वी विजय रेड्डी YSR कांग्रेस को 70वीं लोकसभा की शुरुआत से ही उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। उन्होंने खुद 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। अब तक 90 सांसदों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।